सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऐप। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर रैंक जो है कितनी है, कितने स्टूडेंट कितनी रैंक वाले स्टूडेंट को कब कब बुलाया जाएगा, आवंटित प्रकाशित होने की तिथि जो है संस्था आवंटन की तिथि, उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, संस्था बनने के विकल्प भरने की तिथि यहाँ पर दी गई है और स्टेट रैंक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया, संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आवंटित जाँच दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, जो 17 जुलाई से शाम से और 19 जुलाई 2019 तक जो है एक रैंक से 25,000 रैंक तक। ठीक है दोस्तों, एक रैंक से 25,000 रैंक वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनको दोस्तों 20 जुलाई को संस्था आवंटित करना है और 21 जुलाई को उनको जांच के लिए जाना है। ठीक है, मतलब अभिलेख की जांच के लिए यहां पर दिया गया है, आवंटित संस्थानों में अभिलेख जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि जो है वो 21 तक है। मतलब कितने, जो एक से लेकर 25,000 तक के जो रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको 20 जुलाई तक दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि दोस्तों रैंक कब तक आएगा, तो रैंक दोस्तों अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई, जैसे ही अपडेट हो जाएगी वहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर अभी पर स्टूडेंट की रैंक अभी नहीं पता चली है क्योंकि पर स्टूडेंट की रैंक अभी वहाँ पर जारी नहीं हुई है। हालांकि जब ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूँगा तब तक शायद जारी हो जाए, तो तुरंत उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी और या फिर आप लोग उसी वेबसाइट पर जाके government.gov.in पर वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी रैंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइए कि सर कैसे रैंक चेक होगी, यहाँ पर पूरी स्टेट की रैंक दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप यह होता है कि 20 जुलाई 2019 शाम से और 24 जुलाई 2019 तक जितने फॉर्म भरे जाएंगे इनकी मैं लिस्ट क्या होगी कि 25,000 एक से लेकर 1,15,000 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो 15 जुलाई को इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग देखिए दो प्रकार से होगी, एक होगी काउंसलिंग हमारी जो 19 तक संस्था आवंटन होगा उसकी काउंसलिंग होगी 20 तारीख तक। ठीक है, और एक जो होगा उसकी काउंसलिंग होगी हमारी, जो तीन डेटें होंगी उनकी काउंसलिंग करने के लिए, एक 20, 25 और 31 जुलाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीन काउंसलिंग की डेटें हैं, इन तीनों डेटों में आपको काउंसलिंग कराना है, उसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना, यानी जितने भी 1 से 25,000 तक रैंक वाले स्टूडेंट होंगे उनको 17 से और 19 जुलाई के बीच अपना चॉइस फिलिंग कर लेना है। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है और 20 जुलाई को उनको जाके अपना काउंसलिंग कराना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है 17 से और 19 जुलाई के बीच और 20 को जाके उनको काउंसलिंग करवा लेना है। और उसके बाद क्या होगा कि जो 21 जुलाई से और 4 अगस्त के बीच में आप को प्रवेश लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैसे 20 तारीख को आपका काउंसलिंग हो जाएगा और कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 21 जुलाई से और 4 अगस्त को शाम 5 बजे तक प्रवेश ले लेना है क्योंकि 6 अगस्त से आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रवेश ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जो थर्ड राउंड होगा हमारा वो 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, संस्था का विकल्प भरने की तिथि आप लोगों की होगी 26 से और 30 जुलाई के बीच। इसमें कौन से रैंक वाले स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर होंगे 1,15,000 एक से लेकर 2,50,000 तक जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 31 जुलाई को काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन उनकी चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 26 से लेकर 30 जुलाई से, यानी जो पहला राउंड के स्टूडेंट होंगे जिनकी रैंक 1 से 25,000 के बीच होगी उनको 17 से 19 जुलाई के बीच अपना संस्था का आवंटन जो चॉइस फिलिंग है उसको फिल कर लेना है, उसके बाद 20 जुलाई को उनको काउंसलिंग करवाना है। और जो दूसरा राउंड होगा 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच आपको संस्था आवंटन कर लेना है और उसके बाद 25 जुलाई को उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच जितने भी चॉइस फिलिंग स्टूडेंट करेंगे उन जिनकी रैंक होगी 1,15,000 से 2,50,000 तक उनको 31 जुलाई को काउंसलिंग कराना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपनी काउंसलिंग कब होगी, कब आपको चॉइस फिल करना है, तो वो आप लोग ये जो रैंक दी हुई है इसके हिसाब से देख लेना कि इसके बीच में आप लोगों की रैंक है, यानी 1,25,000 के बीच रैंक है या फिर 1 से लेकर 25,000 के बीच रैंक है या फिर 25,000 से लेकर 1,50,000 तक रैंक है या फिर 1,50,000 से लेकर 2,50,000 तक रैंक है। तो इसके बीच आप लोग रैंक देख लेना, उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया गया है कि प्रकाशित संस्था द्वारा प्रवेश लेने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि जो है वो HTTP government.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किया जाएगा,
यानी कि दोस्तों ये नोट यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट egovernment.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किया गया है, उन्हें काउंसलिंग अगले चरण में रिक्त स्थानों पर सापेक्ष अभ्यर्थी आवंटित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 5 अगस्त से पहले पहले आपको जितने भी प्रवेश हैं आपको कॉलेज जो मिल अलाट हो जाएगा उसमें आपको 4 अगस्त से पहले पहले दोस्तों 4 अगस्त को शाम तक ले लेना है, वरना 5 अगस्त को आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया, जो मेरिट है वो 16/7/2019 को आलोकित कर सकेंगे। यहाँ पर जो मेरिट आप लोगों की होगी, अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंकिंग वेबसाइट www.dob.in पर आप लोगों को 16 तारीख यानी आज के दिन ही आप लोगों को शाम तक अपडेट हो जाएगी। दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, आप लोगों की जो जितनी भी रैंक होगी मेरिट होगी वो आप लोगों की सारी की सारी अपडेट हो जाएगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और शाम तक हो जाएगी तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके या फिर मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को देखना है, आप लोगों को लिंक और पीडीएफ सारी की सारी सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा मैं वीडियोस के माध्यम से। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि बताया गया कि अभ्यर्थी अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प प्राथमिकता के चयन के आधार पर चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक कर सकेंगे और उनके विकल्प चुनने के लिए संस्था में कोई बाध्य नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि आप लोग अगर फीस पेड कर देते हैं उसके बाद अगर नहीं करना चाहते तो आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 3 डेटें दी गई हैं यानी 20, 25 और 30। ठीक है, 20, 25 और 31, इन तीनों डेटों को, इन ये 3 डेट निर्धारित की गई हैं काउंसलिंग के लिए। और जो पहली काउंसलिंग पहला चरण होगा चॉइस फिलिंग का वो 17 से लेकर 19 के बीच होगा, दूसरा चरण होगा 21 से लेकर 24 के बीच में, और तीसरा चरण होगा 26 से लेकर 30 के बीच में। और 3 डेटें आप लोगों की काउंसलिंग के हैं, तो आप लोग चेक कर लेना वहाँ पर कि कितनी रैंक है, उसी हिसाब से आप लोगों को काउंसलिंग करवाना है। तो दोस्तों ये जो पीस दिया गया है आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो पीडीएफ आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अभी अभी सुबह सुबह ही आया हुआ है ये न्यूज़, और इससे पहले भी पेपर में निकल चुका है, तो उसका वीडियो मैंने दे दिया। अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग अपने घर बैठे ही करना है, तो चॉइस फिलिंग के लिए वीडियोस मैंने बनाया है, उस वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ से जाके आप लोग चॉइस फिलिंग वाला वीडियोज़ देख लेना कि कैसे आप लोग को चॉइस फिलिंग देखना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है, और उसके बाद ये जो स्टेट रैंक है ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग शॉर्ट स्कैन करके या फिर अपने आप पास रख लीजिए, या फिर मैं इस पीडीएफ को ही डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ये के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रैंक वगैरह देख के ही, नहीं तो पता लगे कि आप लोगों की रैंक 25002 है, 25002 है, आप लोग पहले राउंड में जाएंगे या पहले राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे तो कहेंगे आप सर मेरा फॉर्म खुल नहीं रहा है चॉइस फिलिंग के लिए, तो क्या करें, तो दोस्तों आप लोगों का फॉर्म नहीं खुलेगा। ठीक है, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए डेट निर्धारित की गई है 20 जुलाई, तो आप लोग 17 में खोलेंगे तो कैसे खुलेगा। ठीक है, तो आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए अपने रैंक वगैरह देख लेना, रैंक अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी दोस्तों, ये आप लोग टेंशन मत लीजिए कि रैंक कहाँ से देखना है उसके बारे में, अभी आपको पूरा दिन आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, हर एक मूव पर अपडेट किया जाएगा आप लोगों को, कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे सारा कुछ आप लोगों को अपडेट कर दिया। चॉइस फिलिंग के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी जानकारी आप लोगों को आज पूरा दिन इस पर मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है,